राइट सो हे गाइस, दिस इज योर प्रेम, वेलकम बैक टू आवर चैनल परम राजपूत। सो गाइस, ये मेरा सेकंड चैनल है और अब जितनी भी सारी वीडियो होगी वो इसी चैनल पे आएंगी और आप सभी मेरे को इस चैनल पे ढेर सारा सपोर्ट करना। तो ये रही सपोर्ट करने की बात। और तो वो होने वाली है, वो एक प्रॉपर ब्लॉग होने वाला है और ब्लॉग में बहुत ही मज़ा आने वाला है। हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और तो अभी बता दूं, मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के घर में और वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा काम है और काम तो मैं नहीं बताऊँगा। गाइस, अभी बात करते हैं इस वीडियो की। ये जो वीडियो होने वाली है वो एक ब्लॉग होने वाला है, मतलब प्रॉपर ब्लॉग होने वाला है। और मतलब हम ब्लॉग में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो हमें भी पता नहीं, बट चलो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है। तो चलते हैं और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा धूप है और अभी मेरे को जाना, अभी मैं जा रहा हूँ अपनी फ्रेंड के घर में और वहां करेंगे बाकी का ब्लॉग शूट। तो देखते रहिए ब्लॉग को। गाइस, यहाँ पे एक छोटी सी नदी है जिसको हम अपनी भाषा में खाड़ बोलते हैं और ये रही नीचे। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है बट मैं जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। और बचपन में जब हम छोटे छोटे थे ना तो हमने यहाँ पे बहुत पशु चराए हैं, आप देख सकते हो इधर, फिर इस साइड लेके आते थे हम घर से बहुत दूर। और एक तो आपको पता है पहाड़ियों में पशुओं को चारना बहुत ही आसान होता है। और ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पे एक खड्ड है और आजकल तो पानी, मतलब खड्ड का पानी बहुत सूख चुका है तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक मतलब वो तालाब जैसा बनाया था और यहाँ पे हम नहाते थे, आप देख सकते हो। पता नहीं अभी तो बहुत ही ज़्यादा पता नहीं घास घूस हो चुका है यहाँ पे। और हाँ, यहाँ पे देखते यार, यहाँ पे बहुत सारे देखो, ये देखो यहाँ पे थी, मतलब एक तालाब जैसा था यहाँ पे, यहाँ से कुछ यहाँ से और यहाँ से लेके मतलब यहाँ तक था। और यहाँ पे ना हम मतलब बरसात के टाइम पे नहाते थे, तो मतलब जो एक बार बारिश हुई पता नहीं 2012 या 14 के समथिंग, वो मतलब उसने यार पूरा ही मतलब पूरी जो सारे तालाब वगैरह थे उनको सबको बर्बाद कर दिया, आप देख सकते हो इसको। यहाँ पे बहुत सारी चढ़ाई हुआ करती थी पहले ऊपर को पत्थर पत्थर, बट उस बारिश के बाद यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ खत्म ही हो गया। तो आप देख सकते हो वैसे तो है यहाँ पे पानी है। और गाइस, जब हम मतलब छोटे थे ना तो मैं और मेरा भाई मैक्सिमम इस खेत में ना इस खेत में हम क्रिकेट खेला करते थे। मतलब क्या ही बताऊं यार, वो दिन ना आज भी मतलब जो भी गांव वाले होते थे, अब तो कोई नहीं आता बट उस टाइम पे हम यहाँ पे तो एक सेकंड दिखाता हूँ, मतलब आप देख सकते हो इस खेत में। गाइस, इस खेत में है मतलब छोटा ही है बट इतना भी नहीं है, पर बट हमारे लिए जब हम छोटे थे ना तो हमारे लिए बहुत काफ़ी था। तो देख सकते हो आप यहाँ से इतना बड़ा है खेत और यहाँ पर हम क्रिकेट खेला करते थे, मैक्सिमम हम दोनों भाई खेला ही करते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ से मतलब हमने बाउंड्री पता कहाँ लगाई होती थी, वो ऊपर जो तालाब बताया ना मैंने वहाँ तक, वो सोच मतलब यहाँ से लगाता था मेरा भाई छक्का लगाता था यहाँ पे सिक्सर, और मतलब बॉल कहाँ पहुँचती थी वो ऊपर जाके मतलब। तो ये तो थी क्रिकेट की बात, बट अब आते हैं असली मुद्दे पे जो कि हम अभी जा रहे हैं अपने फ्रेंड के घर और धूप भी काफ़ी है और ठंड भी है बट कोई नहीं, देख सकते हो आप। सो गाइज, मतलब क्या ही बोलूँ यार, धूप भी है थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी है और ऊपर से एक तो चढ़ाई चढ़ना पड़ेगी मेरे को, बट कोई दिक्कत नहीं, हमें तो ब्लॉग बनाना है भाई।
कोई नहीं। और मेरे पीछे देख सकते हो आप पहाड़ियाँ, यार हिमाचल है, क्या बोल सकते हैं भाई। चला कोई नहीं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो पीछे मेरे ताई जी का घर है, और अभी ताई जी है पीछे। और हाँ जी मम्मी, और कुछ नहीं घर है। सो गाइस, अभी तो यार बहुत चढ़ाई चढ़ना बाकी है, मतलब टॉप पे बंदे के घर। वैसे तो उनके घर पे मतलब रोड है ऊपर की साइड से, बट मेरे को तो यहाँ पे चढ़ाई चढ़ना पड़ेगी यार। देख सकते हो अभी मैं थोड़ा पहाड़ी पे आ गया, और क्या ही बोले यार, मतलब देख सकते हो नीचे, ये देखो नीचे रोड भी दिख रहा है, और ये मेरे घर भी दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। अभी तो गाइस मतलब यहाँ से तो कुछ भी नहीं है, अभी मतलब हम काफी ऊपर आ गए हैं अभी पहाड़ी में, और अभी तो पूरी पहाड़ी चढ़ना बाकी है भाई, बहुत सन्नी के घर जाना है हमें। और देखो मतलब ऊपर पहुँचते पहुँचते ना यार मेरे तो पसीना निकल जाएगा यार। ये देख सकते हो आप, ये पदाड़ी के पौधे, अगर हिमाचल के हो तो मतलब आपको पता ही होगा इसको पदाड़ी बोलते हैं। और इसको कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, ये गाइस इसको क्या बोलते हैं, इसमें एक फल भी लगता है वो, आप सब अगर हिमाचल के हो आप तो आपने इसको खाया होगा, मतलब जो इसका फल लगता है ना, मतलब बैंगनी बैंगनी कलर का छोटे छोटे, तो आपको पता होगा और आपने खाए होंगे। मेरे को इतना पता है जो हिमाचल से होगा उसने खाए होंगे। तो चलते हैं आगे, और ये रहा उजड़ू भाई साहब, इसका तो क्या ही बोले यार, ये तो भाई इतना गंदा होता है, मतलब इसकी गैस नाक में चढ़ जाती है, और फिर तो छींके ओ भाई क्या ही बोले। और ओ भाई सो गाइस, देखो एक और पहाड़ी ही अब सामने दिखाई दे रही है, और देखो अभी इस पहाड़ी के ऊपर जाना है मेरे को टॉप पे, टॉप ऑफ द हिल। और देखो ऊपर एक घर भी है, और यहाँ पे सारा घास ही घास है, मतलब इस साइड घास घास ही होता है, घर बहुत कम है और घास ही घास ज़्यादा है। और देखो देखो वो नीचे छोटा सा रोड दिख रहा है, वो इतने ऊपर में ओ भाई, अभी तो मेरे को बहुत ऊपर जाना है गाइस, देख सकते हो। ओ भाई गिर ना जाए, बहुत ही ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं भाई, यही तो खासियत होती है यार पहाड़ों में रहने की भाई। पर यार अभी क्या ही बोलें, और इस साइड गाइस हम मतलब ये जो पीछे नीचे सही निचली साइड देख सकते हो ना आप, यहाँ पे भी हम पशु चराते थे भाई, क्या ही बोले यार। ओ भाई यहाँ पे क्या है, अरे मेरे को लगता है कोई रास्ते में ना खाना बना रहा था, देखो रुको एक सेकंड जस्ट दिखाता हूँ आपको। ओ गाइस मतलब यहाँ पे पूरे देखो क्या ये क्या बोलते हैं, पूरा घास ही घास ही घास, और यहाँ पे किसी ने खाना बनाया गाइस, देख सकते हो आप, मतलब घर से जिस बंदे ने यहाँ पे खाना बनाया उसने सारा सामान लाके बिल्कुल यहाँ पे चूल्हा जलाया होगा, तो आप देख सकते हो मतलब यही तो भाई खासियत है पहाड़ों की, बंदे घर से दूर भी कर पहाड़ों में खाना बनाते हैं। भाई, मतलब मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही आगे घास काटा या नहीं काटा है, तब तो भाई मेरे तो लग गया यार, ये देख सकते पूरा घास ही घास है यार, सब घास में कहाँ जाऊँ मैं, घूम रही भाई घूम रही घूम रही यहाँ पे थोड़ी शांति तो मिली यार, ठंडी तो आई यहाँ पे, देख सकते हो छाया, नहीं तो भाई बिल्कुल ओपन ही है, क्या बोल सकते हैं भाई। यहाँ पे नीचे मतलब दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे नीचे कुछ ना, यहाँ पे भी हम क्रिकेट खेलते थे, नीचे खेत है मतलब दिख नहीं रहे, घास है तो मतलब कहाँ से दिखेंगे, बट यहाँ पे भी हम क्रिकेट खेलते थे यार। मेरे को लगता है आज का ब्लॉग कुछ लंबा होने वाला है गाइस, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना यार। ओ भाई अभी तो बहुत ऊपर जाना है। ओह गाइस
गाइस देख सकते हो यहाँ पे भी एक घर है पीछे, और अभी हम बहुत ऊपर आ गए भाई, बहुत ऊपर। ओ भाई पसीना पड़ गया मेरे को लगता है, कपड़े गीले हो गए। ओ भाई बहुत धूप है यार, एक तो ऊपर से ब्लॉग बनाने का काम भी थोड़ा इजी थोड़ा ना होता है यार। ओ भाई भाई गिर गया था, ओ तेरी। ओ भाई भाई उसको बोलूं मैं तुम्हें तेरे ऊपर घर क्यों बनाया यार, क्या यार। मतलब फ्री फायर खेल खेल के ना यार कुछ कुछ ऐसे बर्ड सीख गए ना यार जो मतलब सीखने लायक नहीं है, ऐसे ही मेरे साथ चिमकान डिग्री होगी भाई। इधर गंदी जैसी स्मेल आ रही है भाई, अरे मेरे को लगता है इधर किसी पशु का चलान हो गया है, गंदी जैसी स्मेल आ रही है, हो गया खात्मा मेरे को लगता है। बस पता नहीं इस साइड यार लायन भेड़िए चीते शेर मतलब भेड़िए भाड़ी क्या बोलते हैं उनको अपनी भाषा में, मिर्ग वगैरह बहुत आम मिल जाते हैं पहाड़ियों पे, तो अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। और मतलब एक दिन पीछे जैसे मैं यहाँ पे आया था ना तो मेरे को 12 सिंगे दिखे यार, 12 सिंगे और हिरन। ये मतलब ये जो पीछे वाली पहाड़ी है ना, सामने वाली दिख रही है कि नहीं दिख रही, वहाँ पे उसके नीचे कम से कम 12-13 क्या यार। यार यहाँ पे भी गंदी स्मेल आ रही है। ओ भाई यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है ना यहाँ पे जस्ट यहीं पे देखो तो धूप है, काला काला ही दिख रहा है मेरे को तो लग रहा है। और देखो मैं कहाँ से आ गया यार, अरे कितने ऊपर पहुँच गया, देखो मैं कहाँ से चला था नीचे से, और जो सामने वाली पहाड़ी देखो आमने सामने हो गए हम। ओ बाप रे ये क्या है, अरे घास है यार, मैं सोचा पता नहीं क्या है, मैं तो डर गया था यार, वही कतई चिमकांडी गिरी हो जाती मेरे साथ। और गाइज मतलब वहीं सामने उसके घर है, अब मैं पहुंचने वाला हूँ।